तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ प्रैंक हुई है, हम लोग गलत रास्ता चल रहे हैं, हमने मामूल नहीं दे अरे लोगों को तो नहीं पता, चलो कह रहे बता दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं हूँ सुहेल खान, मेरे साथ है इस्माइल और आज ईद का दूसरा दिन था। हमने बोला कहीं घूमने चले जाते हैं, तो हम जा रहे थे हमारे घर के थोड़ा ज़्यादा करीब तो नहीं है पर करीब कह सकते आप, समुंदरी बाबा एक लोकेशन है, वहाँ पे मज़ार है बाबा जी का, वहाँ पे हम जा रहे थे घूमने। मैंने सोचा व्लॉग ही बना लिया जाए, हमारे साथ 70 क्योंकि हम लेके आए मेरे छोटे भाई की है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आप सब दुआ करो इंशाल्लाह हम भी गाड़ी लेंगे फिर उस पर इंशाल्लाह घूमेंगे। तो हम अभी खड़े हुए थे मेमनगोट पंप पे और लड़कों का इंतज़ार कर रहे थे, वो लोग आते हैं तो फिर हम लोग आगे निकलते और आप 2000 years later। सो गाइस फाइनली इस वक्त आ चुके हैं हमारे दोस्त, वो सामने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हैं और वो लोग पेट्रोल डलवा ले उसके बाद फिर हम निकलते हैं समुंदरी के लिए, फिर हम आपसे बाद में फिर मिलते रहेंगे। तो गाइस फाइनली ये लोग आ चुके हैं इस वक्त और हम लोग निकल चुके हैं समुंदरी के लिए, तो तब तक के आप वीडियो एंजॉय करो जब तक हम लोग समुंदरी पहुँचे, ठीक है। सो गाइस ये मेमनगोट का स्टेडियम, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ प्रैंक हुई है, हम लोग गलत रास्ते पे, हम लोग बीच कट में से अगर रोड में से आते तो हम वही तो हम बहुत टाइम के बाद आए इधर समुंदरी बाबा के, तो हो गया तो साल 1.5 साल हो गया हम लोग समुंदरी बाबा में नहीं आए। तो इस वजह से हम लोग रास्ता भी बोल रहे हैं, इस वक्त हम लोग काफ़ी जा रहे हैं उस रोड में और हम लोग असल में हमारी गलती ये थी कि हम लोग बीच में से आ गए, बीच कट में से हम लोग रास्ता चल रहे सामने में वो लोग नहीं थे अरे लोगों को तो नहीं पता, चलो कह रहे हम बता दिए तो खैर क्या हो। तो हमारी गाड़ी की हालत भी तो आपको पता है बहुत अच्छी नहीं है, तो दोस्तों हम लोग बीच बीच में से जा रहे हैं और आगे रास्ता वो रोड जो हम तो यहाँ पे जैसे पहुँचे हम खुश हो गए कि वो आया रोड बन गया, तो हम यहाँ पे आते रहेंगे क्योंकि ये हमारे घर से कुछ थोड़ी सी दूर जगह और अच्छी जगह है। तो लेकिन जब हमारे को पता चला कि ये वो रोड ही नहीं है, ये तो एक अलग नया रास्ता बना रहे क्योंकि यहाँ पे आर्मी का एरिया है, तो वो लोग अपने लिए कुछ नया रास्ता बना रहे हैं जो उन लोगों ने पक्का किया है। ये रोड अभी भी उसकी हालत अभी चल के हम आप देखते हैं, हो सकता है हम उम्मीद यही करते हैं कि बन चुका हो रोड, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं बना है नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया हम लोग इस वक्त सही रोड पर आ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि रोड बन गया है पर बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हो देखो रोड की हालत है, इसका मतलब रोड अभी तक नहीं बना, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही कि बन जाएगा, तो हम तो आते रहेंगे रोड बने या ना बने, उसको आना होगा वो तो आता रहे, तो वहीं पर चल के फिर पहुँच के आपसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो हमारे दोस्त थे वो दोनों अंदर गए हैं इस वक्त मज़ार पे हाजिरी देने के लिए, मैं और इस्माइल बाहर बैठे हैं, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में जाते हैं अंदर हाजिर देने के लिए। तो हाँ
याद दिख रही तो दोस्तों यही थी समुंदरी भावा, आपने देखा होगा तो वीडियो को पूरा देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सबसे एक ज़रूरी बात कि यहाँ पे एक अजीब बात है, क्या यहाँ पे जो है ना मर्द और औरत का बिल्कुल सिस्टम अलग है, जो कि हर मज़ार पे होना चाहिए ताकि बुज़ुर्गों के मज़ार पे कोई जाए तो वहाँ पे कोई गुनाह का काम ना हो, यहाँ पे वो सिस्टम है। तो वीडियो को पूरा देखा, थैंक्स, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंशाल्लाह फिर और कहीं घूमने का तो आपको भी दिखाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।